खाना खाने नहीं, यहाँ लड़ाई करने आए हम लोग। खाना को दूर रखे हम लोग, यहाँ सरकार से लड़ के हम लोग नौकरी लेना के ऊपर जितना हम लोग को भरोसा था, शायद ही वो हम लोग को उस भरोसा को सोच सकते हैं कि सरकार हम लोग को कहीं ना कहीं हम लोग को अनदेखी कर रही है और ठगने का काम किया है, और बिल्कुल ठगा महसूस हम लोग को हुआ। इसलिए जो सिस्टम था उस सिस्टम को ये सरकार, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, सारा चीज़ को मुट्ठी में ले लिया है और उसको सारा चीज़ को जनता का, जनता के प्रति कुछ छोड़ा ही नहीं है। लोकतंत्र को जानते हुए अनसुनी का काम कर रहे, मतलब वो जान बुझ कर बहिरा, मैंने उसको क्या बताया, गज बहिरा, और देखते हुए अनदेखी का काम उसका बोलते हैं अंधरा, जानबूझ के पढ़ाई लिखाई सब उसको बर्बाद हो गया। तो हम 5 साल के बाद हम किस रास्ता में जाए, उसको सरकार से हम यही क्वेश्चन करना चाहते हैं, हम क्या करें। कान बहिरा करके सोने से काम नहीं चलेगा, आप बताइए हम लोग को, या वर्दी खोल के हम घर चल जाएं, या किस रास्ते की ओर हम लोग चल जाएं। ये तो आप, तो आपका मकसद था कि आप मुख्य धारा से जुड़ने का, हम मुख्य धारा से जुड़ चुके हैं ना, जुड़ चुके आप सरकार को, हम जितना काबिल इस राज को हम सेवा दिए, लेकिन हम सेवा देने के बाद में मेरा परिवार तो बर्बाद हो गया। नमस्कार, झारखंड टीवी में आपका स्वागत है। आज जो सहायक पुलिसकर्मी हैं उनका धरना का 21वां दिन है। पिछले दिन जो दुर्गा पूजा है वो भी बीत चुका है, और इन लोगों को घर से कॉल भी आया होगा। और क्या इनकी माएँ या बहन भाई, सबसे पहले ये जानने की कोशिश करते हैं कि कॉल आने के बाद क्या आप लोग का प्रतिक्रिया घर को रहा। घर से दुर्गा पूजा बीत गया है, बीत गया, उस दौरान आप लोग को कॉल भी आया होगा, कौन फोन की थी? हमारा घर से पूरे आज 21 दिन हो गया, सुबह शाम दोपहर जो खाना खाने का टाइम होता है, तीनों टाइम में मेरा घर से फोन आता है, बोलता है कि बेटा खाना खाया, लेकिन हम लोग यहाँ खाना खाने नहीं, यहाँ लड़ाई करने आए हम लोग। खाना को दूर रखे हम लोग, यहाँ सरकार से लड़ के हम लोग नौकरी लेना चाह रहे हैं, क्योंकि हम लोग आज पूरे 4 साल कुर्बान कर दिए मात्र 10,000 रुपये में, मात्र 10,000 रुपये में हम लोग इतना 24 घंटा ड्यूटी किए, फिर भी हम लोग का मांग सरकार 3 साल के बाद पूरा करने वाले, 3 साल पूरे करने पर अस्थाई कर देंगे, पिछले सरकार रघुवर दास ने कहा था, लेकिन ये हेमंत सरकार के ऊपर जितना हम लोग को भरोसा था, शायद ही वो हम लोग को उस भरोसा को, मतलब दिलासा दे के हम लोग को नहीं दिया जा रहा है। जो अस्थाई नौकरी का बात था, अस्थाई करने का बात था, उसे हम लोग को, उसे दूर कर दिया जा रहा है। और हम लोग आज 21 दिन से इस धरना स्थल, इस ऐतिहासिक मोराबादी मैदान में 21 दिन से डटे हुए हैं, क्योंकि हम लोग भी नहीं चाहते हैं कि हम लोग भी ज़्यादा दिन रहे, हम लोग भी ड्यूटी करना चाहते हैं, हम लोग भी गरीब घर का बच्चा है, घर से फोन आता है कि बेटा मेरे पास ये कमी हो गया, दीदी करती है मेरे पास वो कमी हो गया, लेकिन क्या करें, मजबूर हैं, इतने कम मानदेय, इतने कम वेतन में हम लोग को घर चलाना, घर चला के फिर इधर उधर देखना ऊपर, और मात्र 10,000 रुपया में हम लोग पूरे झारखंड जैसे, रांची जैसे शहर में, अपने गृह जिला के अलावे दूसरे शहरों में ड्यूटी सरकार द्वारा लिया जा रहा है, जो काफ़ी चिंता के विषय है। इतने कम मानदेय में हम लोग का भरण पोषण कर पाना बहुत ही मुश्किल है। कोई भी प्रतिनिधि मिलने के लिए आप अब तक आए हैं? अभी तक सत्ता पक्ष का कोई भी प्रतिनिधि नहीं आए हुए हैं, अभी तक किसी का कोई भी बात हम लोग के प्रति अच्छा लगे ये हुआ नहीं है। सरकार पता नहीं क्या नींद में सोई हुई है, जो अभी तक हम लोग का मांग को ना देख रही है, ना सुना कर रही है, उसे अनसुन कर रही है। जो लोकल लेवल के जो विधायक होते हैं वहाँ के, क्या वो वहाँ तक कोई भी मिलने के लिए आए कि चलिए हमारे विधानसभा के बच्चे हैं या कुछ वैसा? नहीं, वैसा कोई विधानसभा से कहीं से आए हुए नहीं है विधायक है, मंत्री जो भी है, अभी तक कोई आश्वासन भी नहीं दिया है कि हम लोग का क्या होगा। इस उग्रवादी क्षेत्र से आए हुए हैं हम लोग को, यहाँ से जाना भी दूरभर लग रहा है, डर लग रहा है कि पता नहीं वहाँ जाने के बाद हम लोग को क्या क्या होगा, क्या नहीं होगा। और विभाग तो क्या जाने, हम लोग तो ड्यूटी छोड़ के आए हुए हैं, सरकार से हम लोग का मांग है, हम लोग का लड़ाई विभाग से नहीं है, हम लोग लड़ाई सरकार से है, क्योंकि इतने कम मानदेय में 24 घंटा ड्यूटी कर पाना शायद नामुमकिन है, 24 घंटा ड्यूटी कर पाना। अच्छा, दुर्गा पूजा बीत चुका है,
कल दसवीं, पिछले दिन दसवीं था, नौवीं था, आठवीं था, तो घर से कॉल आए तो क्या लगता है कि माँ कॉल की होगी, तो क्या वर्ड बोली, क्या उस समय क्या आप जहन में आया? अंदर से रोना आ जाता है जब घर से कोई घर से पूछता है कि बेटा कैसा है, इस त्यौहार में आ जाओ घर। लेकिन हम जिस दिन से इस नौकरी पे आए हुए हैं, सहायक पुलिस का नौकरी जिस दिन से ज्वाइनिंग किए हैं हम लोग, उस दिन से मतलब कोई पर्व त्यौहार हम लोग घर में नहीं मना पा रहे हैं, क्योंकि हम लोग एक सेवा के भाव से आए हुए हैं और सेवा कर रहे हैं। 24 घंटा दूसरों की सेवा में लगे रहते हैं, पुलिस का सेवा में लगे रहते हैं, जनता की सेवा में लगे रहते हैं, ट्रैफिक के सेवा में लगे रहते हैं, लेकिन आज हम लोग को रोड में सरकार उतार दिया। हम लोग मजबूर हैं रोड में उतरने के लिए, क्योंकि इतने कम मानदेय में मेरा घर नहीं चल पाएगा, बहुत ही मुश्किल है घर चलाना। क्या लगता है कि कहीं जो गठबंधन की सरकार है उस वजह से हो रहा है या सरकार सोई हुई है? सरकार सोई हुई है, उसको जगाना होगा कि क्या करना होगा, अब तो वक्त ही बताएगा। लेकिन 21 दिन हम लोग इंतजार करते रहे कि कोई सरकार का प्रतिनिधि आए, हमसे मिले, बात रखे, क्या समस्या है जो हम लोग को आप नौकरी में समायोजित नहीं कर रहे हैं या हम लोग का पेमेंट नहीं बढ़ा रहे हैं। ये तो सरकार के ऊपर भरोसा है, लेकिन पता नहीं अभी तक कुछ मांग में विचार ही नहीं हो रहा है, जो काफ़ी चिंता का विषय है। आप भी गुमला से हैं और जिस तरह से पिछले साल बोला गया था कि एक सप्ताह के अंदर आप लोगों की बात होगी, 15 दिन के जो प्रक्रिया होती वो होगी, वो आप तक नहीं हो पाया है, इससे क्या साफ होता है और आप क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, हम लोग सरकार के प्रति जो विश्वास था वो टूट चुका है हम लोग पर, क्योंकि हम लोग आप आश्वासन से हम लोग मानने वाले नहीं। जो भी वादा पूरा करना है प्रक्रिया से जाएगी, कैबिनेट जो भी क्लियर यहाँ से करेगा। हम लोग विश्वासजनक एक हम लोग का मांग पूरी होनी चाहिए, तभी हम लोग यहाँ से हटेंगे। नहीं तो बीते बार एक तरह से मिथिलेश ठाकुर तरह उसके द्वारा हम लोग वार्ता हुए थे, यहाँ भी आए हुए थे, उसके बाद अपना आवास भी हम लोग गए थे, वहीं पर हम लोग का वार्ता हुआ तो हम लोग चले। जो भी है कुछ तो हम लोग का राहत मिल गया ये सोच करके हम लोग चले। पुनः हम लोग अपने जिला में जाने के बाद में ड्यूटी करने लगे, पता चल रहा है 15 दिन के अंतराल में सारा आप लोग का प्रक्रिया पूरा क्लियर हो जाएगा, लेकिन पता चला साल भर बीत गया, उसमें से एक भी कुछ अभी हम लोग का जो वार्ता वाला काम हुआ वो कुछ भी नहीं हुआ। हम लोग पर साफ साफ बता सोच सकते हैं कि सरकार हम लोग कहीं ना कहीं हम लोग को अनदेखी कर रही है और ठगने का काम किया है, और बिल्कुल ठगा महसूस हम लोग को हुआ, इसीलिए हम लोग मजबूर होकर दोबारा आए हैं। और अगर हम लोग आश्वासन से काम नहीं चलेगा हम लोग को पूरा क्लियर प्रक्रिया से जाए और जिला लेवल से हम लोग जो भी लेटर आएगा हम लोग विश्वास होगा तब यहाँ से हम लोग हटेंगे। कितना तक दिन तक आप लोग बैठिएगा? अभी तो एक महीना पूरा होने वाला है, क्या किस तरह की लड़ाई आप लड़ेंगे? आप लोग जो बैठे हुए हैं शांतिपूर्ण, किस तरह से आप लोग आप आगे की रणनीति? देखिए, लड़ाई तो देखिए हम लोग एक भारत देश एक लोकतंत्र देश है, अगर लोकतंत्र देश है तो हम लोग कहीं ना कहीं हम लोग लोकतंत्र के बारे में समझते हैं, जानते हैं, लड़ाई का तरीका भी हम लोग जानते हैं। और हम लोग करीब करीब यहाँ से सभी कोई पढ़े लिखे ही लोग हैं जो कि हम लोग यहाँ पर आए हैं, तो लोकतंत्र का जो सिस्टम था उस सिस्टम को ये सरकार, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, सारा चीज़ को मुट्ठी में ले लिया है और उसको सारा चीज़ को जनता के प्रति कुछ छोड़ा ही नहीं है लोकतंत्र को। आज देखा जाए तो हम लोग 21वां दिन चल रहा है, तो 21 दिन के भीतर हम लोग कहीं ना कहीं लोकतंत्र से ही लड़ाई लड़ रहे हैं। अभी सरकार को कोई सरकारी काम में किसी भी प्रकार का कोई बाधा हम लोग नहीं पहुँचाए। हम लोग यहाँ आने के बाद में स्वेच्छा से हम लोग बैठे हैं धरना पर, हम लोग सरकार से हम लोग अपना मांग को हम लोग रख रहे हैं, आवाज़ दे रहे हैं मीडिया के माध्यम से, प्रेस के माध्यम जो भी है, लेकिन सरकार अभी जानते हुए अनसुनी का काम कर रहे हैं। मतलब वो जानबूझकर बहिरा, मैंने उसको क्या बताया, गज बहिरा, और देखते हुए अनदेखी का काम उसका बोलते हैं अंधरा जानबूझ करके। हाँ, तो यही सब ये काम कर रहे हैं जो कि ये सब गलत बात है। ये जनता विश्वास, जितना जनता हम लोग तो चले विश्वास टूट गया, लेकिन इसके साथ साथ हम लोग का जो आंदोलन को देख करके पूरा झारखंड के सभी जनता उसके विश्वास को ये तोड़ने का काम किया है। और हम लोग इसे सरकार से मांग नहीं कर रहे हैं, वो जैसे चुनाव में जा रहे थे और बड़े बड़े वादे कर रहे थे कि नहीं मेरा कलम के पावर आने दीजिए, हम आप लोग को ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, ये सरकार खुद बोले थे ना, हम लोग उसका ड्यूटी भी किए हैं। जिस समय वो चुनाव प्रचार के लिए जा रहे थे उसके बगल में हम लोग ड्यूटी कर रहे थे, सुन भी रहे थे, हम लोग खुशी हो रहा था कि चलो ये सरकार बनेगी, अपना सरकार है, झारखंड की सरकार है, अपना आदिवासी सरकार है, ये उम्मीद थी हम लोग को। लेकिन ये तो जो पिछले सरकार थी उससे भी बेकार टाइप से हमको लगता है।
तो क्या कहा जा सके कि जो जितने भी वादे मैनिफेस्टो में जो दिया गया था, बताया गया था, वो सारे खोखले हुए हैं। जी बिल्कुल, वो कोई भी एक भी वादा हम लोग पूरा नहीं हुआ है। और एक एक बार हम कहना चाहते हैं, मिथिलेश ठाकुर जी माननीय बोल रहे थे कि नहीं हम दो साल हम बढ़ा दिए या किया, वो कुछ ये सही बात नहीं है। वो एक्चुअली में हम लोग का साफ साफ उसमें लिखा हुआ है कि दो साल के बाद बहाल किया गया था हम लोग को। दो साल अगर संतोषजनक कार्य पाए जाने पर उसके बाद में एक साल बढ़ाया जाएगा, ठीक है। उसमें भी हम लोग तीन साल पूरा किए, उसके बाद तीन साल पूर्ण होने के बाद में एक एक साल करते हुए पाँच साल तक आप लोग का अनुबंध होगा, और उसके बाद किसी भी परिस्थिति में आगे बढ़ाया नहीं जा सकता है। ये सरकार, पूर्व की सरकार हम लोग को बॉन्ड भरवाया था, हम एक्सेप्ट करते हैं कि हम बॉन्ड भरे थे, लेकिन सरकार जब जहर देने का काम किया है तो उसका नहीं रास्ता भी तो निकालना चाहिए। जब कहती है साफ साफ कि तीन साल के बाद किसी भी परिस्थिति में आगे नहीं बढ़ेगा, तो हम किसी भी परिस्थिति में, हम लोग यहाँ इतने ज़्यादा युवा हैं और हम लोग अपना लाइफ को तो हम लोग ख़त्म कर दिए, अपना जो भविष्य जो पढ़ाई लिखाई सब उसको बर्बाद हो गया, तो हम पाँच साल के बाद हम किस रास्ता में जाएं, उसको सरकार से हम यही क्वेश्चन करना चाहते हैं, हम क्या करें। कान बहिरा करके सोने से काम नहीं चलेगा, आप बताइए हम लोग को, या वर्दी खोल के हम घर चल जाएं, या किस रास्ते की ओर हम लोग चल जाएं। ये तो आप, तो आपका मकसद था कि आप मुख्य धारा से जुड़ने का, हम मुख्य धारा से जुड़ चुके हैं ना, जुड़ चुके आप सरकार को, हम जितना क्या बोले इस राज को हम सेवा दिए, लेकिन हम सेवा देने के बाद में मेरा परिवार तो बर्बाद हो गया। एक भी परिवार सहायक पुलिस का भी जाके आप तो सर्वे कर लीजिए कि किसी का परिवार नौकरी करने के बाद में किसी का परिवार कुछ भी किसी भी प्रकार का परिवर्तन हुआ है। तो मेरा जो खपड़ा घर है, मेरा खपड़ा घर जब खपड़ा एक भी परिवर्तन नहीं हुआ, जो है वही है ना, पढ़ाई लिखाई पूरा परिवार, मतलब एक्चुअली में कहा जाए तो हम लोग साल भर में 18 दिन की छुट्टी रहता है, वो छुट्टी को भी हम लोग को लेने के लिए सोचना पड़ता है। बताइए, हम एक इंसान है, मेरा भी माँ बाप है, मेरा ही भाई बहन है, सबसे हम लोग को भी मिलने का मन करता है, हम लोग जतरा सिंदरा जो भी पर्व त्यौहार है सब में, उसमें भी हम लोग को जाने मन करता है, लेकिन मजबूरी हम लोग का इतना रस्सी में बांध के रख दिया जाता है कटघरे में ना, कि हम लोग कहीं जा नहीं सकते हैं, मजबूरी में हम लोग ड्यूटी करते हैं, और खुशी खुशी हम लोग ड्यूटी करते हैं कि चलो हम लोग आने वाला दिन के लिए हम लोग तीन साल बेहतर करेंगे, तो हम लोग आने वाला दिन के लिए सरकार सोचेगी तो हम लोग को अच्छा नौकरी मिल सकती है, ये उम्मीद थी हम लोग, लेकिन सारा उम्मीद को सरकार को हम लोग को ठक के रख दिया। आगे की रणनीति आप लोग क्या की करेंगे? रणनीति तो देखिए, मजबूरी में भी आगे कुछ भी अपनाने को मजबूर रहता है, हम लोग मरता क्या नहीं करता है, ये तो कहावत भी है, मरता क्या नहीं, अगर हम लोग मरने के कगार में आ गए, हम लोग का पैसा कोड़ी सब चीज़ नहीं रहेगा, तो हम लोग रास्ता आने को बहुत रास्ता है, हम लोग आंदोलन का बहुत तरीका होते हैं ना, अनेकों तरीका होता है, कोई भी तरीका हम लोग अपना सकते हैं, चाहे सरकार जो भी सोचे। इक्कीसवां दिन आप जमशेदपुर से हैं, हम लोग हिंदी इंग्लिश उर्दू फारसी जो भी कहें सरकार तक जो बातें हैं वो पहुंच चुका है, आप लोग एक हेमंत सरकार आदिवासियों की सरकार कही जाती है, आप किस तरह से लोग संदेश को हेमंत सोरेन तक पहुंचाना चाहेंगे? देखिए, इतना दिन से हम लोगों ने जो भी प्रयास किए हैं हिंदी वर्ड में ही बोले, ठीक है, तो जो भी प्रयास किए हैं अभी तो सरकारी कानून तक जो तक नहीं घुसे हैं, तो मैं चाहता हूँ कि चलो आदिवासी सरकार है, हमारी संथाली सरकार है, संथाली लैंग्वेज है, तो मैं उसको मैं अपनी संथाली लैंग्वेज बोलना चाहूँगा, हो सके कि अब मेरे माध्यम से अगर सरकार कानून तक थोड़ा सा भी जो घुस जाए कुछ उसको कलमंद आ जाए, ठीक है, इसलिए मैं अपना संथाली लैंग्वेज बोलना चाहूँगा। तेहे नोड़े हुयुक कना 21 दिन ना मुरावदी मैदान रे जहाँ रे नोड़े झारखंड रिंग समस्त सहायक पुलिस को हेजे कना और नवा रे सितुंग रे जप्पुद रे जहाँ का मेना पा जहाँ तने कोस्टो रे मेना कुआ, लेकिन नोड़े सरकार तेहें धरी ताले पैसरे मिल कथा बाय में नका और ना ही आलसा गाल मरावना राजी है कना ना किस तरह वर्ता ना उन्हीं जहाँ प्रतिनिधि को हेज कर नोड़े, लेकिन आले उड़े लेक ना जुदी आले 10,000 ते 4 साल धरी खटाव दड़े हैं एखान हजू समय नोड़े आले मोरावादी मैदान 4 साल धरी आंदोलन दड़े कंटिन्यू ना आले तो उन साहस मेना उन हिम्मत मेना कि सरकार ने तो बाय कर दड़े कना नहीं आले ही सरकार कना आले सरकार कना झारखंड प्योर हम लोग आदिवासी है यहाँ के, ठीक है, मूल निवासी है हम लोग, 1964 में ही बल्कि 1932 से भी खतरा लागू होते उससे पहले वाले हमारे दादा परदादा सब यहाँ के हैं, यहाँ का हम लोग प्योर झारखंडी है, अगर हमारे हित में सरकार अगर अभी नहीं सोचती है तो आने वाले समय में इसकी खामियाँ जो है सरकार को भुगतनी पड़ेगी। आप जो सरकार की मांग था, आप वहाँ से जो जमशेदपुर से आते हैं घर का, अगर अभी भी कॉल आता हो घर का, तो मम्मी का क्या रिएक्शन है, क्या बात बोलते हैं?
रिएक्शन तो ऐसे है कि डायरेक्ट बोल देते हैं कि बेटा पिछले बार जो गए थे, पिछले बार के हादसा इस तरह का नहीं होनी चाहिए, अब बस सही सलामत घर आ जाइए। ये सुन के दिल को बहुत ठेस पहुंचता है कि राय आने वाले समय में हमारे साथ क्या होगा, हमारा फ्यूचर क्या होगा। हम लोग जहाँ पे हम लोग 3 साल हमारे कंटिन्यू यहाँ पे इतना अच्छे तरीके से हम लोग सेवा दिए हैं, जनता का बोले सरकार का बोले, ठीक है, लेकिन हमारे साथ इस तरह से गैरव्यवहार किया जा रहा है, हमारे प्रति एक क्षण तक नहीं सोचा जा रहा है कि हमारा फ्यूचर क्या होगा। हम लोग तो आए हैं हमें नक्सल प्रभावित क्षेत्र से, अगर यहाँ से जाएंगे तो जाहिर सी बात है हमको नक्सल उठा के लेके चल जाएगा, ठीक है। और यहाँ रहते हैं रांची से बड़ा शहर में, अपने शहर में रहते हैं जब से कुछ शहर में, तो 10,000 में क्या होगा। आने वाले समय में ऐसे है कि 10,000 तो केवल मुख्यमंत्री साहब का जो हैंडवाश आता है ना, एक दिन का हैंडवाश खर्चा, वही खर्चा हो जाता है 10,000। अब बताइए ये कोई मजदूरी है? सस्ते शहरों में काम करवा रहे और कुछ नहीं है। ये 70-75 रुपये के बीच हम लोग जो एक विवाद बन के रह गए सहायक पुलिस। और जैसे पिछले बार मिथिलेश ठाकुर जी ने हमारे साथ जो वादे किए थे कि नहीं आपको जो है जाइए आपको लॉलीपॉप खिला के आप घर जाइए, लॉलीपॉप आपको भेज दिया जाएगा। और लॉलीपॉप तो दूर की बात है, हमको चॉकलेट तक का नसीब नहीं हुआ है, क्योंकि इस बार जो है हमारी जो भी है क्रियाकलाप जो है हमारे लॉलीपॉप खाना में से नहीं है। हम यहाँ से चिकन भात खा के ही जाएंगे। इतना मैं चेतावनी देना चाहूँगा सरकार को कि हमारे अगर 2500 सहायक पुलिस के तहत अगर आप हमारे लाइफ के साथ खिलवाड़ करें ना, तो आने वाले समय में अगर हम लोग आपको सत्ता में बैठा सकते हैं तो यहाँ सत्ता से उतारने में हम लोग को टाइम भी नहीं लगेगा।